सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आईटा अवार्ड है जो कि आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और 3.5 PBR को रेटिंग मिले, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी में एज यू विश। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी दर्शकों का, जिन्होंने इतनी इतना प्यार और इतना विश्वास हमको दिखाया। और ये वाकई हिस्टोरिकल है कि पहली बार किसी भी इवेंट को, अवार्ड फंक्शन इवेंट को, इतनी भरपूर TRP से नवाजा गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। और साथ साथ ये बात ये भी दर्शाती है कि अगर जनता आपके अवार्ड में या आपके प्लेटफॉर्म में विश्वास रखती है तो उसके नतीजे हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कि जो बड़े बड़े अवार्ड है फिल्म फेयर, जैसे बॉलीवुड अवार्ड है, उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है, और ऐसा कहा जा सकता है अब लोग सीरियल की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, जाके बीच में थोड़ा सा रुक गया था ऐसा लग रहा था, लेकिन अब लोग सीरियल की तरफ फिर से जा रहे हैं। टेलीविजन और अभी OTT के आने के बाद ऑडियंस तो डिवाइड हुई है, एक OTT की टेलीविजन है, फिल्म्स की भी है डेफिनेट ऑडियंस, उसी तरह टेलीविजन की भी डेफिनेट ऑडियंस है, जिसके पास अभी जो हैं ऑप्शंस हैं वो OTT भी देख सकती है, फिल्म भी देख सकती है। लेकिन कोर जो हिंदुस्तान की जनता है अधिकतम, वो औरतें और महिलाएं और बच्चे हैं जो घर में रात दिन रात टेलीविज़न देखते हैं, और वो हमेशा रहेंगे, बिकॉज हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो इसी तरह का है कि महिलाएं घर पे रहती हैं, काम करती हैं, हाउसवाइफ भी होती हैं, या हाउसवाइफ अगर नहीं भी होती, काम भी अगर करके आती हैं, तो शाम को उनके लिए एंटरटेनमेंट का माध्यम सबसे बड़ा टेलीविज़न है। इसीलिए ही टेलीविज़न में नारियों का स्थान जो है वो बहुत बड़ा है, देखने के लिए भी और अदरवाइज ऑल्सो। तो मुझे खुशी है कि इस बार भी हमने एक नारी शक्ति के ऊपर एक एक्ट किया जो बहुत सराहा गया, और पूरे देश की महिलाओं ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, उस टाइम पे उसकी TRP बहुत हाई थी। जैसे कि आपने जब आईटा अवार्ड शुरू किए थे शुरुआती दौर में, तो क्या आपका परसेप्शन था, उसको कंटिन्यूटी यू ही बरकरार रखना इतने सालों से, हर साल आईटा अवार्ड हमें देखने को मिलता है, लोग उसका वेट करते, तो इतने साल से कंटिन्यूटी बरकरार रखना ये इजी टास्क नहीं होता है, तो आपने कैसे किया? नहीं, ये हमारा विश्वास था, हमारा सबसे पहली बात यही थी कि प्लेटफॉर्म अगर हम बनाएं तो वो तो एक तो शुद्ध प्लेटफॉर्म हो, वो टेलीविज़न का हो, ये नहीं कि उसमें फिल्म वाला भी आ रहा है, इसमें ये भी आ रहा है। इसलिए अगर आपने देखा हो कि पहले साल से सारे देश के मशहूर फिल्म स्टार्स हमारे अवार्ड्स में आते थे, लेकिन हमने उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि वो आके हमारे टेलीविज़न के कलाकारों को अवार्ड दे सकें, उनका उत्साह बढ़ा सकें। और कई बार हमारे को कई चैनल्स ने कहा भी कि आप XYZ फिल्म स्टार को लेके कीजिए, एक्ट बनता है, लेकिन हमारा विश्वास था कि टेलीविज़न जो है उसकी एक अपनी पहचान और उसकी एक अपनी जड़ अलग से होनी चाहिए, उसमें कुछ मिलावट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुश्किल था वो कन्विंस करना लोगों को, बिकॉज हर तरह के पोशन पुल थे, लेकिन हम वी स्टक टू दैट, एंड आई थिंक वही एक विश्वास आज लोग हमें हमारे प्लेटफॉर्म में दिखाते हैं कि ये लोग जो हैं 23 साल से सिर्फ टेलीविज़न का अवार्ड करते हैं, लेकिन फिल्म वाले सारे भरपूर होते हैं उसमें, और वो आके उनको बहुत उत्साह से अवार्ड देते हैं और खुश होते हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो हमारा टैलेंट टेलीविज़न का है उसको रिकग्निशन मिले, आई थिंक उसी का फल है। इस बार भी अवार्ड में देखा गया था रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी आए थे और टेलीविज़न वालों को सपोर्ट किए थे, वो लोग को अवार्ड दिए थे। जी, यही एक हमारी मंशा हमेशा से रही। हमारे तो पहली बार भी जब सबसे पहला अवार्ड था उसमें भी दत्त साहब, सुनील दत्त साहब थे उसमें, शत्रुघ्न सिन्हा थे उसके अंदर, माधुरी दीक्षित थी, रवीना टंडन थी, नम्रता शिरोडकर थी, अजय देवगन था, भरपूर कलाकार, मतलब मुझे अभी याद भी नहीं बहुत सारे, लेकिन जैकी श्रॉफ, बहुत सारे, शबाना जी, जावेद साहब, तो हमेशा से हमारे अवार्ड्स के अंदर बेहतरीन लोग फिल्म और टेलीविज़न के, और अब तो OTT के भी इकट्ठा होते हैं, और ये एक तरह से एक सालाना कुंभ का मेला है
जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, जिसमें सब लोग एक छत के नीचे होते हैं और लोगों को बहुत मज़ा आता है सबको एक साथ देख के। जैसा आपने कहा ये कुंभ का मेला है, जैसे लोग साल में एक बार कुंभ के मेले का इंतज़ार करते हैं, वैसे आईटा अवार्ड का भी लोग इंतज़ार करते जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे हमारा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है टेलीविज़न का, एक इकलौता अवार्ड है जिसके अंदर सभी चैनल के सभी फेसेस जो हैं वो एक साथ आपको दिखाई देते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और इनाम पाते हैं। तो और कुछ क्या कुछ अभी जैसे कि जनरेशन बदल रहा है तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि अवार्ड फंक्शन में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए कुछ ऐसा न्यू? आप देखिए जनरेशन के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है। जैसे 4-5 साल पहले OTT जो है एक उभर के आया, एक ऑल्टरनेट उभर के आया जिसको आप नकार नहीं सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि 4-5 साल से हमने धीरे धीरे टेलीविजन, पहले कुछ 10-12 अवार्ड थे, अब OTT के भी कम से कम 30 अवार्ड हो गए हैं। शायद एक दिन ऐसा है कि हमें एक अलग शाम करनी पड़े OTT की। तो एज सोसाइटी चेंजेस, एज टेक्नोलॉजी चेंजेस, एज व्यूअरशिप